का म्यूजिक लॉन्च है, सो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. तो हैदर का म्यूजिक सब सुन पाएंगे आज से, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एल्बम एज इट इज एन एक्साइटिंग फिल्म. तो हैमलेट में ग्रेव डिगर्स के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे हैदर में भी हैं. तो ये ग्रेव डिगर्स का गाना है जो कि बहुत ही फेमस सिचुएशन है हैमलेट प्ले के अंदर. तो जब ये गाना हमने फिल्म के लिए किया तो जो कैरेक्टर्स हैं जो कि कश्मीरी एक्टर्स को हमने लिया है उन लोगों ने ही वहाँ पर गाया था. पर ये मेलेडी हम सबको इतना असर किया कि हमारा मन किया कि इसका एक और इंटरप्रिटेशन हमको इसका एक्सप्लोर करना चाहिए. तो इसलिए इसका एक रॉक वर्जन बनाया जो इसको बैकग्राउंड स्कोर में यूज़ किया गया. जी बहुत एसेंशियल था कि हैदर शाहिद की तरह नहीं डांस करे. बहुत इंपॉर्टेंट था कि हैदर की अपनी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और अगर परफॉर्मेंस भी करना है और डांस भी करना है तो उसको अपने तरीके से करना है. तो एक बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर हैं सुदेश, जिन्होंने विशाल सर के साथ एक ऑपेरा किया है, वो नॉर्वे से हैं. और विशाल सर ने जब ये गाना कंपोज़ किया तो उनके माइंड में बहुत क्लियर था उसी वक्त से कि वो चाहते थे कि सुदेश इस गाने को कोरियोग्राफ करें, बिकॉज उनका डांस स्टाइल बहुत अलग है और उनका डांस स्टाइल जो है कोरियोग्राफी से ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्रिवन है. और ये गाना ऐसी सिचुएशन में आता है जब हैदर बहुत इमोशनली अपसेट है, तो गाने का इमोशन जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था. सिर्फ स्टेप्स करना ज़रूरी नहीं था, उसकी जो एंग्स्ट है, जो फीलिंग है, जो उसके अंदर जो गुस्सा है, वो किस तरह से कोरियोग्राफी के थ्रू कम्युनिकेट होगा. इस वजह से सुदेश जो है उनको इस गाने के लिए कोरियोग्राफ करने के लिए लिया गया. एग्जैक्टली, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ आवर कंट्रीज यंग सुपरस्टार्स, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है. और मैंने इनसे कहा था, एक्चुअली मैंने इनको पहले से जानती भी, तो मैंने इनसे कहा था कि यू नो आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई गेट टू डू अ मूवी विद यू, एंड फाइनली नाउ आई एम गेटिंग टू डू इट. सो या एक तो सबसे बात यह है कि फिल्म कश्मीर में प्लेस्ड है और इसमें कश्मीरी फोक भी है, पर उन फोक म्यूज़िक के मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस भी हैं. द फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरी एल्बम होगी जिसमें 10 गाने होंगे. इसमें मैंने गाने जैसे फिल्म में हैं वैसे भी रिकॉर्ड किए हैं, फिर उनको कैसे मैं अगर नॉन फिल्म देखना चाहूँ तो मैं कैसे उससे उन्हें इंटरप्रेट करता वैसे भी किया है. फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल है गुलों में रंग भरे जो मेहंदी साहब ने गाई है, वो भी है. तो बहुत बहुत अलग अलग तरह के जॉनर्स हैं इसमें म्यूज़िकली जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इतने सारे गाने फाइनली इसमें आके हो गए, 10 गाने एक एल्बम में, विच इज़ अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी. लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा है और वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि समथिंग लाइक दैट नीडेड टू बी डन. और मैं इतना क्लियरली कहूँगा कि किसी भी सिर्फ इफेक्ट के लिए ये लुक नहीं अचीव की गई है, इसका बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फिल्म के अंदर. और जब आप फिल्म देखेंगे, एक्चुअली एक ही सीन है फिल्म के अंदर और वो हमने 4-5 घंटे में शूट किया. जो भी हटना है प्लीज़ हट जाओ सर, तो कंट्रोल थांबा थोड़ा प्यार से भी बोल सकते हो आप. तो जी तो उसका यू नो 4-5 घंटे का काम था, लेकिन ज़रूरी था कि मैं एक्चुअली बिकॉज वी कुड हैव डन प्रोस्थेटिक्स ऑल्सो, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं तो यू हैव टू गिव देम योर ब्लड. और जब मुझे इतना अच्छा रोल विशाल सर ने दिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन या ये जो भी छोटी सी चीज़ एक मैं कर रहा हूँ दैट इज़ रियली समथिंग दैट द रोल डिजर्व्स एंड डिमांड्स, मोर देन डिजर्व्स आई थिंक इट डिमांड्स दैट. तो इस वजह से वी डिड दैट.